विद्यार्थी मित्रों, आपणे तृतीयः पाठः सुभाषितानी सुभाषितोना चौथा पांचमा अने छठा सुभाषितोनु ध्यानपूर्वक श्रवण अने पठन करीशुं अने तेनो भावार्थ समझीशुं। चार उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। भावार्थ मेहनत साहस धीरज बुद्धि शक्ति अने पराक्रम आ छ गुणों ज्यां होय छे त्यां देव सहायता करे छे। समझूती आ सुभाषितमां कोने भाग्य साथ आपे छे ते दर्शावामां आवेलुं छे। जीवन में सफलता मेळववा माटे जरूरी छ गुणोनी अहीं वात करवामां आवी छे। सफलता प्राप्त करवानो प्रथम गुण मेहनत छे। त्यार बाद व्यक्ति में कोई पण कार्य हाथ में लेवानुं साहस होवुं जोईए। परिणाम मळे त्यां सुधी धीरज धरता आवडवुं जोईए। तेमज कार्यनी योजना बनाववा माटे व्यक्तिमां बुद्धि होवी जोईए। अंते कार्यने अमलमां मूकवानी शक्ति अने गम्मे ते परिस्थितिमां अडग रहेवानुं पराक्रम खूब ज जरूरी छे। जो आपणामां आ छ गुणो होय तो ज आपणने सफळता मळे छे, एटले के देव सहाय करे छे। पांच उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। भावार्थ मेहनत वडेज कार्यो पार पड़े छे, मनमा विचारो करवाथी नहीं। सूतेला सिंहना मोढ़ामा प्राणियों जाते प्रवेश करता नथी। समझूती पुरुषार्थनो महिमा गातू आ सुभाषित खूब जाणीतू छे। अहीं सिंहना उदाहरण द्वारा मेहनतनु महत्व समझाववामा आव्यू छे। कोई पण काममा सफळ थवा माटे मेहनतनी जरूर पड़े छे। फक्त मनमा विचारो करवाथी कोई पण काममा सफळता मळती नथी। सिंह जंगलनो सौथी बळवान प्राणी होवा छता तेने शिकार माटे बहार जवुं पड़े छे अने शिकार करवो पड़े छे। जंगलना प्राणियो सामे चालीने तेना मोढ़ामां आवता नथी। आम फक्त विचारो करवाथी जंगलना राजा सिंहनी पण इच्छा पूरी थती नथी। तेणे पण मेहनत तो करवी ज पड़े छे। छ दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतां वदेत वाणीं मनः पूतं समाचरेत। भावार्थ आँखोथी जोईने ज पग मुकवो जोईए, वस्त्रथी गाळेलुं पाणी ज पीवुं जोईए, शास्त्रथी शुद्ध करेली वाणी ज बोलवी जोईए, मनथी पवित्र करेलुं कर्म ज करवुं जोईए। समझूती आ सुभाषितमां मानव जीवनमां आचरणमां मुकवा लायक चार बाबतो जणाववामां आवेली छे। आपणे हमेशा रस्तामां चालती वखते आँखोथी जोईने पछी ज पग मुकवो जोईए। हमेशा स्वच्छ कपड़ाथी गाळीने ज पाणी पीवुं जोईए। आपणे शास्त्रोथी पवित्र थयेली वाणी एटले के संस्कारी वाणी ज बोलवी जोईए। क्यारेय पण अपशब्दो
ન બોલવા જોઈએ અને હંમેશા કોઈ પણ કામ મન લગાવીને જ કરવું જોઈએ।